Hello, students. Hello, guys. Am I audible? Good afternoon, guys. Good afternoon. कैसे हैं सब बच्चे? How are you guys doing? कैसन बा बेटा जी? एकदम मस्त, जबरदस्त, एकदम शानदार, गाइस. बोले तो रापचेक. यस गाइस, एकदम बढ़िया. कैसे हैं सब बच्चे? गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू वी कॉमर्स 11 12 फॉर अ बेटर फ्यूचर. दिस इज योर मास्टर टीचर हेरात वेदांतु. माय नेम इज दिशा दुआ. अब बाय क्वालिफिकेशन हम अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और हम साथ में पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज. रियल इंडियन बेस्ट बेटे, अभी कॉमर्स ही पढ़ा लेते हैं. कॉमर्स ठीक है बेटे. फ्यूचर, फ्यूचर मे बी सम टाइम सून तो नहीं कह सकते, बट मे बी विल कंसिडर सम टाइम, मे बी इन फ्यूचर. ठीक है बेटे जी. हाय अक्षत महेश्वरी, गुड आफ्टरनून. कैसे हैं सब बच्चे? गाइज, लेट्स टेक अ मोमेंट एंड कॉल ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स, बिकॉज वी आर डूइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड मोस्ट टेक्निकल चैप्टर्स ऑफ आर क्लास 12, बोले तो फिनेंशियल मार्केट. भाग के जाएंगे सब बच्चे, अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को बुला करके लेकर आएंगे. एकदम मस्त. अक्षत, हाउ आर यू डूइंग? कैसन बा बेटा जी? एकदम मस्त, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, है ना बेटा जी? सो गाइस, लाओ जल्दी जल्दी जाओ, अपने सारे फ्रेंड्स को बुला करके लेकर आओ. वी आर स्टार्टिंग बिजनेस स्टडीज फॉर आर क्लास 12. गाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड शो अस सम लव. थोड़ा मैम को प्यार दिखाने का, थोड़ा चैनल को प्यार दिखाने का. हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर गाइज, एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन गाइज. बिफोर वी स्टार्ट गाइज, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी. वी कॉमर्स 11 12, ओके? दिस इज योर 11th एंड 12th, दिस इज योर टेलीग्राम ग्रुप. आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाने का, राइट दिस चैनल का नाम एंड ज्वाइन दिस, ओके? बिकॉज यहीं पर मिलते हैं सारे इंस्टेंट अपडेट्स अबाउट द चैनल, क्योंकि आने वाला फ्यूचर एकदम ब्राइट है, फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, राइट? और यहीं पर आपको रोज रात को 8 बजे द PDF, द नोट्स ऑफ द कंटेंट दैट वी स्टडी फॉर ऑल आवर सब्जेक्ट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, यहीं पर मिलते हैं. प्लस बहुत सारी क्विजेज होती रहती हैं, मैथ्स की क्विज होती है रोज, अलग अलग सब्जेक्ट्स की रोज होती है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ठीक है? एंड देयर आर मेनी मोर सरप्राइजेस कमिंग योर वे. ठीक है गाइस, वंस यू हैव ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन, मैम को बोल दो मैम डन डन आर डन. अक्षत, हाउ आर यू मेरे बेटे, हाउ आर यू? सो गाइस, बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सेशन, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट योर वेदांतु कॉमर्स प्रो सब्सक्रिप्शन. अभी ऐसा है कि हम पढ़ने को तो खुद पढ़ सकते हैं, पढ़ भी रहे हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, बहुत अलग अलग सोर्सेज है जहाँ से पढ़ सकते हैं. बट इफ दे इफ आई टेल यू देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर वे में हम पढ़ते आए हैं हमेशा से, अभी वेदांतों में साइंस के लिए, और इस साल हम कॉमर्स भी पढ़ना शुरू हो गए हैं बेहतरीन तरीके से. वेर यू गेट एक्सपोजर ऑफ 5,000 आवर्स ऑफ लाइव ऑनलाइन टीचिंग फॉर ऑल ऑफ ए सब्जेक्ट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स. आपको टेस्ट होंगे हर थोड़े चैप्टर्स के बाद, कंबाइंड से टेस्ट होंगे. आपके पास असाइनमेंट आएगा हर सेशन के बाद गाइस. जितना पढ़ लिया उतना पक्का कर लेते हैं बिफोर वी गो एनी फॉरवर्ड, ओके? और जो भी कमी रह जाएगी उसको सुधार पाएंगे, बिकॉज देयर विल बी 20 टीचर्स जस्ट लाइक मी हैविंग 5 ईयर्स ऑफ, मोर देन 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, विल टीच यू, गाइड यू, असिस्ट यू अलॉन्ग विद डुअल टीचर मोड. बोले तो क्लास टीचर भी होंगे एक सेपरेटली विद अ मास्टर टीचर, देयर विल बी वन क्लास टीचर ऑल्सो हु विल हेल्प यू टू सॉल्व योर क्वेश्चंस लाइव इन द क्लास इटसेल्फ. ठीक है, आपके पास ऑप्शन है टू लर्न इन इंग्लिश एंड हिंदी. प्लस अगर रास्ते में पढ़ते पढ़ते कोई कोई नया क्रैश कोर्स आ गया, कोई नया माइक्रो कोर्स आ गया, यू विल नॉट हैव टू पे सेपरेटली फॉर इट. एक बार आपने प्रो सब्सक्रिप्शन ले लिया, यू आर डन डन आर डन डन. अब कैसे ले सकते हैं प्रो सब्सक्रिप्शन? द स्क्रीन इज ब्लैक. नो बेटे, आई थिंक यू आर फेसिंग सम ट्रबल. स्क्रीन एकदम सही आ रही है. गुड आफ्टरनून कौशल, गुड आफ्टरनून पृथ्वीराज,
सो गाइस कैसे लेंगे ये? प्रो सब्सक्रिप्शन टू प्लान्स अवेलेबल है, 1 मंथ एंड 3 मंथ. 1 मंथ का जो एक्चुअल प्राइस है वो है 3,499, बट आफ्टर डिस्काउंट ये आपको पड़ता है 2,799. पैसों का ना जाना भी पैसों का आना ही है, बोले तो 20% ऑफ मिल रहा है. जो 3 मंथ का प्राइस है वो 9,999, बट आफ्टर डिस्काउंट इट इज अवेलेबल टू यू एट 7,999. ये 20% ऑफ कैसे मिलेगा? इफ यू यूज माई कूपन कोड बोले तो DDPRO. एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक ऑन दैट लिंक. नंबर 1, एनरोल नाउ. आई हैव अ कूपन कोड एंड DDPRO इज योर कूपन कोड टू अवेल दिस 20% ऑफ. इफ यू थिंक यू वॉन्ट टू अवेल ऑल दिस फैसिलिटीज, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड दीज 3 स्टेप्स यू आर डन. ठीक है, और साथ में मिलके एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे प्रो सब्सक्रिप्शन में भी. अभी आज पढ़ना शुरू करते हैं गाइस. वी वर स्टार्टिंग आवर फिनेंशियल मार्केट्स चैप्टर. हाउ इज द जोश गाइस? हाउ इज द जोश? कौशल तिवारी, दैट इज योर चॉइस. इफ यू थिंक ऑल दीज बेनिफिट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, कैन गो फॉर इट. अगर लगता है नहीं मैम खाली ऐसे पढ़ने से चाल बढ़िया है तो पढ़ते रहो, कोई टेंशन वाली बात इज नहीं है. ठीक है बेटे कौशल तिवारी, इफ यू वॉन्ट ऑल दीज फैसिलिटीज विच आई जस्ट मैंशन, गो फॉर इट. ठीक है, ये तो आपका अपना पर्सनल डिसीजन, मैम सिर्फ गाइड कर सकती है ना मेरे बच्चे. पृथ्वीराज राठौड़, कैसे हो बेटे जी? हाउ आर यू डूइंग? फिनेंशियल मार्केट्स पढ़ने के लिए सब बच्चे रेडी है? हाउ इज द जोश गाइज? कैन आई गेट सम एनर्जी इन द चैट बॉक्स बिफोर वी स्टार्ट स्टार्टिंग द चैप्टर? पढ़ना शुरू करें. पढ़ना शुरू करने से पहले क्या ना, गेट सम जोश इन द चैट बॉक्स गाइस. एकदम भयंकर वाला मैसेज आ रहे हैं रास्ते में. हाय दीप्ति मित्तल. चलो बेटा शुरू करते हैं. वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर नंबर फाइनेंशियल मार्केट, और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज एंड डीमैट के बारे में. तो लेट्स अंडरस्टैंड आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. विल फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्या है? ओके, देन फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरीज एंड डीमैट अकाउंट. और अगर इफ यू हैव एनी प्लान टू डू CS, कंपनी सेक्रेटरी आप बनना चाहते हो फ्यूचर में आफ्टर योर क्लास, इफ यू वांट टू परस्यू, देन दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू. वैसे भी 12th में तो है ही, बोर्ड्स है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, बट अगर CS कर रहे हो तो ये फाउंडेशन स्ट्रांग कर सकता है. ध्यान से सुनेंगे क्योंकि एक चैप्टर है यहाँ, तो चैप्टर का एक टॉपिक है, वहाँ पे पूरा एक सब्जेक्ट है. व्हेन यू एंटर योर सेकंड स्टेज बोले तो एग्जीक्यूटिव स्टेज में जाओगे CS के, वहाँ पर ये पूरा सब्जेक्ट है, डिटेल में जाओगे और इस पर एक पूरा एक्ट है, इस पर एक पूरा एक्ट है सेबी. ओके, और ये है डिपॉजिटरीज एक्ट आएगा यहाँ पर. ठीक है, लॉ बट इट इज ऑल अबाउट लॉ, बट थोड़ा थोड़ा तो अपन को पता होना चाहिए. वी आर कॉमर्स स्टूडेंट्स. सो गाइज आर यू रेडी टू स्टार्ट टूडेज सेशन? हाँ मैम, हम एकदम रेडी हैं आज का सेशन चालू करने के लिए. हाय उज्जवल कुमार सिंह, लेट्स स्टार्ट. नॉलेज इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट. यू विल नेवर फेस लॉस हियर, यू विल हैव अनलिमिटेड प्रॉफिट. सो लेट्स बिगिन. बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, यस गाइज. चलिए सबसे पहले समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज. हम ये सेकंड चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं सेबी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एटसेट्रा एटसेट्रा. अरे भैया होता कहाँ है? हमने टीवी में देखा है, हमने सुना है मनी कंट्रोल ऐप होती है, कुछ 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 मैम आप भी हमको बताते रहते हो, ब्रोकर्स होते हैं और अंडर राइटर्स होते हैं और बैंकर्स होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वॉट एग्जैक्टली अभी भेज में ढंग से क्लियर नहीं है. क्लियर करो मैम. चलो आओ बेटे आज इसी को क्लियर करते हैं. हाय मनीषा कुमारी, हाय उदय किरण गॉड, गुड आफ्टरनून बेटे. आओ बेटे शुरू करते हैं. लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. क्या है स्टॉक एक्सचेंज बेटे? स्टॉक एक्सचेंज बोले तो स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन. क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे हो पाता है बेटे जी? कहाँ पे होता है? हो पाता है इस इंस्टीट्यूशन में. इंस्टीट्यूशन क्या है? स्टॉक एक्सचेंज. क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बोले तो, लाइक लेट मी यू नो एक्सप्लेन. जैसे मैं आपको बताती हूँ,
मेरा जो जहां से मैं ऑपरेट करती हूँ अपने शेयर्स वो है कोटेक सिक्योरिटीज। कोटेक सिक्योरिटीज का नाम सुना, कोटेक बैंक का नाम सुना ना सब बच्चों ने? ऐसी कोटेक सिक्योरिटीज एक प्लेटफॉर्म है, इट इज अ प्लेटफॉर्म जहां से आप जाके शेयर्स खरीद सकते हो। आपने आपको मैंने ब्रोकर्स बताया था ना, अपन ने क्लास चैप्टर 2 पढ़ा था ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, शेर खान सुना होगा आपने, है ना? तो यहाँ से मैंने क्या किया, अपने आप मैंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया, जो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या है डीमैट अकाउंट, और मैं यहाँ से बाइंग एंड सेलिंग कर सकती हूँ शेयर्स की। अब ऐसे कोई मैं सड़क पर ढूंढने नहीं जाऊंगी, मेरे को शेयर बेचना है, उज्ज्वल मेर से शेयर खरीद लो, किरण मेर से शेयर खरीद लो, या कौशल तिवारी बोल रहे हैं दिशा मैम मेर से शेयर खरीद लो, मैं शेयर बेचने आया हूँ। अरे भैया हमको कैसे पता चलेगा? अब हमको सब्जी लेनी है तो हम सब्जी मार्केट जाएंगे, मछली लेनी है तो मछली मार्केट जाएंगे, बट शेयर लेना है तो कहाँ से लेंगे, है ना? तो कहाँ से लेंगे बेटे? NSE और BSE, ये कौन है बेटे? ये स्टॉक एक्सचेंजेस है। इन पर कंपनीज जो है अपने आप को लिस्ट कराती हैं, और इनके लिस्टेड शेयर्स जो हैं वो कहाँ बिकते हैं? ब्रोकर्स के पास बिकते हैं। और इनके बारे में भी आज हम डिटेल में बात करेंगे बहुत ध्यान से। इफ यू गाइस हैव सीन दिस सीरीज, क्या नाम था, स्कैम 1992, रिस्क है तो इश्क है ना? देखा है तुम आप लोगों ने? अगर देखा है तो थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा वहां पर मूवी में क्या हो रहा है। अगर नहीं देखा है तो टेंशन की बात ही नहीं है, हम आज समझ ही लेंगे। फ्यूचर में कभी भी शेयर, स्टॉक एक्सचेंज, डीमैट, इन सब की बात होगी एकदम चकाचक तरीके से, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। शांतनु तिवारी क्या बोल रहा लड़के, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे पास बेटा पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो एक कंपनी का शेयर नहीं होता, बहुत सारी कंपनी के शेयर ले सकते हो आप, ठीक है मेरे बच्चे उज्जवल? चलाओ, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, क्या नाम है ये एक्ट का नाम है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ना 1956 तो कंपनीज एक्ट भी था पुराना वाला, है ना? हिंदू सक्सेशन एक्ट भी था जो हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पढ़ा था ना अपन ने। अब ऐसे इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ये क्या बोलता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? दिस इज व्हाट, दिस इज द इंस्टीट्यूशन हु डिफाइंस द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई भी एक बॉडी हो सकती है, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है जहाँ लोग हो, इंडिविजुअल्स हो, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, बोले तो हेल्प, हेल्प कर रहे हैं, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। मतलब अगर आप सिक्योरिटीज में डील कर रहे हो तो उसको क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। आप बेसिकली एक ऐसी बॉडी हो, यू आर बेसिकली, इफ यू आर अ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी बॉडी है जो हो सकता है इनकॉर्पोरेटेड हो सकता है इनकॉर्पोरेटेड ना हो, बट आप जो भी हो आप क्या करते हो, यू असिस्ट, बोले तो हेल्प करते हो, रेगुलेट करते हो एंड कंट्रोल करते हो व्हाट द बिजनेस। ओके यू माइट हैव नॉट बी एबल टू सी, करण करण गुड आफ्टरनून बेटे। ओके यहाँ लिखती हूँ मैं, असिस्ट करते हो, रेगुलेट करते हो, कंट्रोल करते हो व्हाट द बिजनेस, किस चीज का बिजनेस? बिजनेस ऑफ सिक्योरिटीज। समझ में आया बेटे? समझ में आया? जैसे अपन को सब्जी लेना तो मंडी जाते हैं ना, अगर अपन को जो लोग शेयर्स को रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, शेयर्स नहीं सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में सब कुछ आ जाता है, ठीक है? सिक्योरिटीज को बाय करने का, सेल करने का बिजनेस रेगुलेट कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, आप इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकते हो, नहीं इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकते हो, दिस इज व्हाट SCRA 1956 सेज। एम आई क्लियर? Am I clear, guys? Sir, am I audible? I is there some
ट्रबल विद इंटरनेट और टेक्नोलॉजी, आई एम नॉट श्योर मेरे को। गाइस एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? ओके ऑल क्लियर। यस परफेक्ट, थैंक यू गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बिफोर मूविंग ऑन टू दिस आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू गाइस, आर वी गुड विद व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? मतलब अगर आपसे कुछ पूछा, कोई पूछ ले स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो आपको विद डेफिनेशन पता होना चाहिए। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 स्टेट स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक ऐसी बॉडी है इंडिविजुअल्स की जो इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है, इनकॉर्पोरेटेड नहीं भी हो सकती है, बट आप क्या करते हो? आप असिस्ट करते हो, रेगुलेट करते हो, कंट्रोल करते हो बिजनेस ऑफ व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ शेयर्स। ठीक है, यस एकदम क्लियर मेरे बच्चों को, एकदम सुपर डुपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब हमको पता है बिजनेस स्टडी है, हम कुछ समझ रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस आल्सो ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के क्या फंक्शंस हैं? आइए बेटे शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। बोले तो मान लो मेरे पास अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट अपन की एक कंपनी है, सुना है ना अपन ने, अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट हमारे पास में एक कंपनी है, इस कंपनी के शेयर्स है। ठीक है, अब ये शेयर्स कहाँ से मिलेंगे? अगर मुझको बेचने, अगर मेरे पास, दिस इज दिशा मैम, और मैम के पास ये शेयर्स हैं, और मैम को ये पैसे चाहिए जो शेयर्स हैं, मान लो मैम ने 10,000 रुपीज लगाए हुए हैं, आई वॉन्ट दिस मनी लिक्विड, आई वॉन्ट टू सेल दी शेयर्स, कहाँ होंगे, कहाँ बेचूंगी बेटे? मुझे कौन हेल्प करेगा? कौन हेल्प करेगा बेटे? ये करेगा स्टॉक एक्सचेंज करेगा हेल्प। ओके, लिक्विडिटी करने में भी, और मार्केटेबिलिटी, मार्केटेबिलिटी मतलब बेचने के लिए। ओके, बेचने के लिए कौन मदद करेगा? स्टॉक एक्सचेंज। द कैपिटल मार्केट इज मीनिंगलेस इन द एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर लोग नहीं होंगे तो बोले तो कैपिटल मार्केट इज नहीं है। वी अंडरस्टूड यस्टरडे कैपिटल मार्केट क्या होती है, लोगों को ही बेचना है आगे आगे, इट इज नॉट फ्रेश, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो है वो बिक रहा है ना, वही बिक रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हैं, अगर मैंने उज्ज्वल को बेचा या कौशल ने करण को बेचा, कैसे बिक रहा है? हाउ विल वी फाइंड समबडी, है ना? हाउ विल, इफ आई वॉन्ट टू सेल और इफ आई वॉन्ट टू बाय, हाउ, वेयर विल आई गो? उसके लिए क्या काम आता है? स्टॉक एक्सचेंज इज समबडी हु प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म, हु प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म गाइस। देन प्राइजिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज की प्राइजिंग कौन बता पाता है? कौन बताता है? इट इज द स्टॉक एक्सचेंज। बोले तो हम जो डिमांड है और सप्लाई है, ये कल हमने स्टोरी सुनी थी, वी अंडरस्टूड अबाउट दिस डिमांड सप्लाई, हमने, मैम ने इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल भी दिया था, इफ यू हैव नॉट सीन यस्टरडेज क्लास उसको देखने का। हमें ये पता है जब सिक्योरिटीज प्रॉफिटेबल होती है, बोले तो कोई भी चीज ज्यादा प्रॉफिट दे रहा होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। आप खुद सोचना, इफ यू आर अ इन्वेस्टर, कोई किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता जा रहा है, 200 से 300, 400, 450 हो गया, एवरीबडी विल गो, और जैसी ही डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई भी बड़ी बढ़ रखी है, ऑटोमेटिकली प्राइस गिरने लगेगा, है ना? इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना अपन ने, अब इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना। अब हमारे को पता है सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज जो है वो हमेशा हाई होंगी। अगर कोई कंपनी अच्छी है, वो अच्छे से ग्रो कर रही है, ऑटोमेटिकली उसका मार्केट प्राइस जो है सिक्योरिटीज का वो ग्रो हो जाएगा। कौशल, हाँ बेटे करेक्ट करेक्ट, अभी सैनिटाइजर वाला कंपनी ऐसी है जो ग्रो कर ही रही है। यस मेरे बच्चे कौशल, यस मेरी बेबी। चलो नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। अब बोले तो अगर हम पता नहीं कोई आयरा गैरा नत्थू खैरा प्लेटफॉर्म आ गया और वहां हम सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो क्या होगा? हो सकता है हमारे पैसे लेकर चले जाए,
हमको पता ही नहीं चलेगा. इफ इट इज नॉट गवर्न, इफ इट इज नॉट अंडर वन लॉ, किसी कानून के अंतर्गत नहीं है, देन हाई पॉसिबिलिटी दैट योर ट्रांजेक्शन इज नॉट सेफ. देर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट योर मनी हैज बीन डिडक्टेड, द मनी हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, बट यू स्टिल डू नॉट हैव सिक्योरिटीज इन योर हैंड. सेफ्टी नहीं होगी. और यही बात है, स्टॉक एक्सचेंज जो है सेफ्टी प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स सेफ्टी टू डील इन सिक्योरिटीज. जो ब्रोकर्स होते हैं उनको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जैसे शेर खान बोला मैंने या कोटक सिक्योरिटीज बोला, इन सबको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी. किसमें? किसी स्टॉक एक्सचेंज में, तभी ये लोग बेच सकते हैं शेयर्स. एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ब्रोकर्स, बुल बियर, जो आपने सुना होगा कहीं कहीं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ओके, देन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. ऑफकोर्स एक इकोनॉमिक बैरामीटर भी है, बैरोमीटर भी है, एक इकोनॉमिक बैरोमीटर भी है. कौन? हमारा स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज. अगर द राइज एंड फॉल ऑफ शेयर इंडिकेट्स द बूम एंड रिसेशन साइकिल ऑफ इकॉनमी. अगर सारे शेयर्स बढ़ रहे हैं, जैसे भी कोरोना टाइम्स में क्या हुआ था, मार्केट गिरी हुई थी, ऐसे सुन रहे होंगे आप, है ना. अगर किसी के पेरेंट्स, कोई रिलेटिव्स, कभी किसी से सुना होगा मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है, शेयर्स गिर रहे हैं, मार्केट गिरी हुई है, एंड नाउ वापस उठने लगा, है ना, शेयर अब वापस उठने लगा है. तो जैसे उठने लगेगा ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, है ना, और शेयर मार्केट नीचे जाएगी तो ऑटोमेटिकली कंट्री एज अ होल इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी डिस्टर्ब्ड. इट विल बी डिस्टर्ब्ड. चलिए आगे बढ़े. स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट. इक्विटी कल्ट बोले तो इक्विटी कल्ट का क्या मतलब होता है? मतलब जहाँ हम आपको, जब आपको याद है मैम ने जब रिलायंस धीरू भाई अंबानी की स्टोरी सुनाई थी आपको 2 हफ्ते पहले ऑन अ सैटरडे, आई टोल्ड यू दैट इक्विटी कल्ट ही वॉज वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स. बोले तो मान लीजिए एक कंपनी है, दिस इज अ कंपनी, अब इस कंपनी को पैसे चाहिए, तो इसके पास पैसे नहीं है. वट इज ही डूइंग, वट इज दिस कंपनी डूइंग? कंपनी बोल रही है आओ लोगो, पब्लिक, जनरल पब्लिक को बुलाया जा रहा है, कम इन्वेस्ट मनी इन माय बिजनेस एंड बिकम ओनर्स, ओनर्स बन जाओ. जब हमने फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा था गाइस, अभी इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था, वहां हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में समझा था, इक्विटी और डेट के बारे में समझा था. वी नो दैट इक्विटी इज ओनर्स फंड्स, है ना, एंड डेट इज बोरोड फंड्स. तो इक्विटी कल्ट बोले तो इक्विटी का जो ये सिलसिला है, ओनरशिप, मतलब मैं और आप शेयर्स लेके रिलायंस के ओनर बन सकते हैं, उतनी परसेंटेज का जितने मैंने शेयर लिया है उतनी परसेंटेज की मैं ओनर बन सकती हूँ. एंड दिस इज नोन एज इक्विटी कल्ट. बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इट इज पॉसिबल दैट इक्विटी कल्ट हैज बीन स्प्रेड, दैट इट हैज बीन स्प्रेड गाइस. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन स्टॉक एक्सचेंज. एंड गाइस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, बट इन जनरल यू एज कॉमर्स स्टूडेंट्स डेफिनेटली शुड अंडरस्टैंड कि स्टॉक एक्सचेंज के ऑपरेटर्स कौन करता है, स्टॉक एक्सचेंज में काम ऑपरेट कौन करता है. हमने स्टॉक एक्सचेंज तो दो ही सुने हैं, NSE एंड BSE. अभी ऑपरेट कैसे होते हैं? मैम आप कोटेक सिक्योरिटीज की बात बता रहे हो, शेर खान की बात बता रहे हो, कैसे होता है, प्लीज एक्सप्लेन. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस. आ जाओ. नंबर वन, ब्रोकर्स. मैम ब्रोकर्स को हिंदी में दलाल बोलते हैं क्या? हाँ मैम. ऐसा कुछ दलाल स्ट्रीट भी है क्या मुंबई में? हाँ बेटे, आपने सुना है तो अच्छी बात है. बेटी जी आपने एक मूवी देखी सैफ अली खान की, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द मूवी, चित्रांगदा सेन है उसमें, और कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बात हो रही है. देखिए गाइस, हैव यू सीन दिस मूवी? यस नो हो नो? Why are you guys not replying? Come on, मैम को reply करो. देखा तुमने? देखा है तो अच्छी बात है. मुझे I am not remembering the name. वहाँ पर भी आपने सब word सुना होगा. In general भी सुनते होंगे. आइए समझते हैं who is a broker. No 1 2 3. आओ बेटे आ जाओ. A broker is an individual. एक individual हो सकता है या फिर एक firm भी हो सकती है that executes buy and sell orders for an investor for a fee of commission. बोले तो
अब जैसे कि पुराने ब्लैक एंड व्हाइट में ले जाती हूँ मैं आपको, पुराने जमाने में पहले क्या होता था, अगर आपने मूवी देखी है, ये सीरीज देखी है 1992 स्कैम, तो आप रिलेट कर पाओगे, अगर नहीं देखी है टेंशन नहीं, आओ मैं बताती हूँ। पहले कैसे होता था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स आते थे, पहले शेयर्स ना ऐसे कागज में आते थे, कागज में, ऐसे कागज में, इस कागज पे लिखा होगा कंपनी का शेयर का नाम एंड एवरीथिंग, ओके। अब ये शेयर मुझको अगर बेचना है तो मैं जाऊंगी, शेयर ले लो, शेयर ले लो, शेयर ले लो, 100 100 रुपये, 100 शेयर, 100 रुपए के, 100 शेयर, 100 रुपए के, मैं भाग भाग, मैं लोगों को आवाजें दूंगी, आवाजें, जैसे मछली मछली बाजार में, सब्जी मंडी में बोलते हैं ना, आलू ले लो, बैंगन ले लो, पहले ऐसे शेयर बिकते थे, यहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे, और मैं लोगों को ढूंढूंगी जिसको शेयर चाहिए। मान लीजिए करण को शेयर चाहिए, मेरे पास आएगा, मेरे साथ बात करेगा और मैं इसको शेयर दे दूंगी। बट अभी क्या है, कहानी आ गई किसकी, पहले ब्रोकर्स भी होते थे, बट वो भी ऐसी ऐसी बोलते थे, मेरे बिहाफ पे वो बेचते थे, लोगों के बिहाफ पे दे यूज टू सेल, और कमीशन लेते थे, ठीक है। बट अभी क्या हो गया, अभी ऑनलाइन होने लगा, जिसको हम बोलते हैं डीमैट, और वो भी आज हम समझेंगे, ओके। किसी ओनर ऑफ शेयर के बिहाफ पे दिस ब्रोकर इज समबडी जो ढूंढ के लाएगा, अगर मुझको शेयर सेल करना है और आपको शेयर खरीदना है, आप अहमदाबाद में रहते हो, मैं दिल्ली में रहती हूँ, कैसे मिलेंगे भाई, आई डोंट नो यू, अगर मेरी दुकान होती तो मैं बेच देती, अब कैसे बेचे, हाउ एम आई सपोज टू सेल एंड हाउ आर यू सपोज टू बाय, देर हैज टू बी समबडी जो आपको और मेरे को बिना मिलाए मिला देगा और बिकवा देगा। वी विल नॉट मीट, ओनली दे दिस ब्रोकर विल गिव मी अ प्लेटफॉर्म जहां मैं बेच सकती हूँ और आप खरीद सकते हो, जो भी मार्केट की वैल्यू है उस पर, जो भी मार्केट की वैल्यू है उस पर, एंड दिस पर्सन बिकॉज ही इज मेकिंग अस मीट, वो हमारे से चार्ज लेगा, कमीशन लेगा, एंड दिस इज ही और शी और दिस फर्म इज नोन एज ब्रोकर। एम आई क्लियर गाइस? उज्जवल क्या बोल रहा है बेटे, मुझे समझ नहीं आया, गाइस एम आई क्लियर? ब्रोकर क्या होता है, समझ में आया सब बच्चों को? यस और नो? हो के नो? यस, आगे बढ़े, नो, लेट्स अंडरस्टैंड जॉबर्स। जॉबर्स वर्ड सुना होगा अगर आपने 1992 स्कैम देखा है तो, ये लोग कौन है? जॉबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक जॉबर्स, स्टॉक बोले तो शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब लोग जो स्टॉक, एक तो इन्वेंट्री वाला स्टॉक है जो आपकी बैलेंस शीट में असेट में दिखता है, एक स्टॉक होता है जहां पर शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब कुछ होते हैं, इनको हम स्टॉक भी बोलते हैं, ओके। स्टॉक जॉबर्स एक्ट एज मार्केट मेकर्स। मैम कैसे? दे हेल्ड शेयर ऑन देयर बुकिंग इन देयर ओन बुक्स एंड क्रिएटेड मार्केट लिक्विडिटी बाय बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज एंड मैचिंग इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल ऑर्डर्स थ्रू देयर ब्रोकर्स, उनके दलालों के थ्रू, हु आर नॉट अलाउड टू मेक मार्केट्स। देखो क्या होता है, कोई कोई ब्रोकर्स होते हैं जो मार्केट नहीं बना सकते, ओके। तो ये लोग क्या करते हैं, दीज ब्रोकर्स, दीज जॉबर्स, ये लोग क्या करते हैं, अपनी बुक में, मान लीजिए ये कंपनी एक्स है, दिस इज कंपनी एक्स, इसको अपना शेयर बेचना है, तो इस तुमने क्या किया, यू आर अ जॉबर, लाइक फॉर एग्जाम्पल उज्जवल कुमार सिंह, ही इज अ जॉबर, ठीक है। इसने क्या किया, इस कंपनी का शेयर अपनी बुक पे चढ़ा लिया, अब नाउ ही कैन सेल, अगर इसने 10 रुपए का शेयर खरीदा और लग रहा है कि मैं 11 में बेच सकता हूँ, मार्केट रेट ये चल रहा है, अब मैं जाऊंगी इस जॉबर के पास और शेयर खरीद लूंगी, ठीक है, और शेयर खरीद लूंगी। दिस इज हाउ द जॉबर्स मेक, मैचिंग करते हैं, वो मैचिंग करते हैं कि किसको बेचना है और किसको खरीदना है, बट वो अपनी ओन बुक में क्रिएट करते हैं मार्केट लिक्विडिटी, अपनी ओन बुक में बेचते हैं, मतलब आपसे खरीद के मैं बेचूंगी तो वो मेरे नाम से बिकेगा, आपसे मैं खरीद लूंगी और आगे बेच दूंगी, ठीक है, तो मेरे मेरी बुक्स के थ्रू बिकेगा, इसको हम जॉबर्स और स्टॉक जॉबर्स भी कहते हैं। एम आई क्लियर उज्जवल? वेर इज हिमानी टूडे, भिन हिमानी भंडारी, उज्जवल क्लियर है जॉबर्स क्या होता है, आर वी गुड विद जॉबर्स? आपने हर्षद मेहता स्कैम सुना है, तो वो जॉबर से शुरू करी थी उन्होंने मार्केट,
सिक्योरिटी मार्केट, ही एंटर इनटू शेयर मार्केट विद पोजीशन ऑफ बीइंग अ जॉबर। यस कौशल, बहुत बढ़िया। चलो उज्जवल आगे बढ़ते हैं। अब एक सिंपल स्टोरी बताती हूँ। आपने बुल देखा, बुल कैसे होता है? ऐसे अपने सींग से ऐसे मारता है ना, ऐसे। तो मतलब जब मार्केट ऊपर जाती है तो उसे बुल बोलते हैं, ठीक है, और जब मार्केट नीचे आती है, नीचे नीचे बोले तो बेयर। बेयर कैसे मारता है? बुल ऐसे अपनी सींग से मारता है, बट उठा उठाता है ऐसे। और बेयर कैसे मारता है? पैर से, पैर को ऐसे ऐसे, पंजा है ऐसे, पंजा है तो ऐसे मारता है झपट्टा ऐसे, है ना। तो मतलब नीचे जा रहा है पैर से, तो वो बेयर है, सर से वो ऊपर है। आए अभी समझो, जब ऊपर जा रहा है तो बुल है, जब नीचे जा रहा है तो बेयर है। आइए समझते हैं कौन है ये बुल्स एंड बेयर्स। अ बुल इज अ स्टॉक मार्केट स्पेकुलेटर हु बाइज अ होल्डिंग इन अ स्टॉक इन द एक्सपेक्टेशन दैट इन द वेरी शॉर्ट टर्म इट विल राइज, बढ़ेगा। मतलब ये वो लोग होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज कौशल तिवारी। कौशल तिवारी एक ऐसा इंसान है, ही इज दैट इंडिविजुअल हु बाइज अ स्टॉक। मान लीजिए जियो का स्टॉक खरीदा, जियो का स्टॉक खरीदा किसने? कौशल ने। वो इस एक्सपेक्टेशन में खरीद रहा है कि आने वाले कुछ छोटे शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस बढ़ेगा, राइज इन द वैल्यू, वेयर अपॉन दे विल सेल द स्टॉक टू मेक क्विक प्रॉफिट्स ऑन द ट्रांजैक्शन। मतलब जैसे ही 10 रुपए का शेयर 12 रुपए का हुआ या 15 रुपए का हुआ, और 100 शेयर हैं या 1,000 शेयर हैं या 10,000 शेयर हैं, अकॉर्डिंगली पैसे भी कमा लेगा कौशल तिवारी। समझ आ रही है गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? यस और नो? जब मार्केट बढ़ रही है ऐसे 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 मारती है ना बुल, बुल ऐसे मारता है ऐसे सींग से उठा के, तो जब उठ रहा है तो मार्केट, जो लोग तब खरीदते हैं जब मार्केट बढ़ रही है, वी आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइस इज नो राइजिंग, सो इफ यू टॉक अबाउट मी आई एम ऑल्सो बुल। ओके, मुझे भी तभी मजा आता है जब प्राइस बढ़ने वाले हैं, बट हो सकता है लॉन्ग टर्म में हम बेयर्स भी हो जाए। गाइस एम आई क्लियर? हाँ बेटे, ऑफ कोर्स होता है, क्वेश्चन होता है ना, तभी तो बिजनेस चल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने एक पैसा भी कमाया एक शेयर पे, ठीक है, एक शेयर पे एक पैसा भी कमाया, और आप दिन के 1 करोड़ शेयर बेच रहे हो, सिंपल, बहुत बहुत छोटी फिगर बोल रही हूँ, अगर आप दिन के 1 करोड़ शेयर बेच रहे हो, आप समझो कितने पैसे कमा रहे हो आप। समझ आ रहा है कौशल? नो बिजनेस विल हैपन विदाउट प्रॉफिट, यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट बोले तो क्या बोल रहे हैं हमारे राकेश झुनझुनवाला जी, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स। ओके, he is the person, he is the first person who came in the first position, is said to be the Warren Buffett and the big bull of India, Rakesh Jhunjhunwala। जैसे वर्ल्ड के वॉरेन बुफे है ना, वैसे इंडिया के वॉरेन बुफे हम राकेश झुनझुनवाला को बोलते हैं। he is the 48th richest person in India and his net worth is $2.5 billion as on 9th of September 2020, आज से 3 महीने पहले। बेटे परसेंटेज मैंने बताया ना, इट कुड बी इट पर कमीशन जो है ब्रोकर्स अलग अलग होता है, अलग अलग कैप पे। अगर आप इतने शेयर्स खरीदते हो तो हमारा परसेंटेज ये है, अगर आप इंट्रा डे लेते हो तो हमारा परसेंटेज ये है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो हमारा परसेंटेज ये है, तो वो कमीशन होती है। ओके उज्ज्वल, आओ तरुण, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बेयर। बेयर बोले तो पंजे से नीचे जा रहा है बेटे, नीचे, है ना। हमने बुल में बोला ऊपर जा रहा है, बेयर में नीचे जा रहा है, तो बोले तो लॉस की बात हो रही है या नीचे, मार्केट जब नीचे जा रही है, ये देखते हैं। अब बेयर इज एन इन्वेस्टर हु बिलीव्स दैट अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी और द ब्रॉडर मार्केट इज हेडेड डाउनवर्ड, नीचे जा रहा है शेयर जो है, नीचे जा रहा है, एंड मे अटेम्प्ट टू प्रॉफिट फॉर अ डिक्लाइन इन स्टॉक प्राइस।
जब मार्केट नीचे जा रही है तब वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तब वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज शेयर है 10 रुपए का, ठीक है, एंड आई एम अ बेयर, आई नो कि नीचे जाने वाला है, मैं स्टडी कर रही हूँ मार्केट को। तो जब आप कल, आपको पता है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, पता तो कुछ नहीं हो सकता, यू कैन नॉट बी 100% श्योर, बट 9 रुपीज होने वाला है कल, तो आप क्या करोगे, आज 1 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लोगे। यस, बेयर्स आर टिपिकली पेसिमिस्ट अबाउट द स्टेट ऑफ द गिवन मार्केट और अंडरलाइन इकोनॉमी। ये लोग पेसिमिस्ट ये बोलते हैं बस गिरने वाली, मार्केट तो गयो, मार्केट तो गयो, तो जब नीचे जा रहा है तो बेयर है, ऊपर जा रहा है तो बुल है। एम आई क्लियर उज्जवल? यस गाइस, एम आई क्लियर? अ बेयर इज एन इन्वेस्टर हु बिलीव्स दैट अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी और द ब्रॉडर मार्केट इज हेडेड डाउनवर्ड, नीचे, एंड मे अटेम्प्ट टू प्रॉफिट फ्रॉम अ डिक्लाइन इन स्टॉक प्राइस। बेयर्स आर टिपिकली पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, पेसिमिस्ट होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, अबाउट द स्टेट ऑफ अ गिवन मार्केट। ठीक है कौशल, तारुण, गाइस एम आई क्लियर? आगे बढ़े। नो प्राइस इज टू लो फॉर अ बेयर और टू हाई फॉर अ बुल। बोले तो जो बेयर है वो कहेगा और कम 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 कम, कितना पता ही नहीं है। बुल बोले तो हाय 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 हाय, पता ही नहीं है, टू मच, कोई भी हाय जो है वो हाय नहीं है बुल के लिए, कोई भी लो जो है वो लो नहीं है बेयर के लिए। नाउ दिस ही इज अ बुल, सींग सींग से मारने वाला है, सींग से, ऐसे ऐसे। ठीक है कौशल, ओके लेट्स सी द लास्ट। बोले तो स्टैग, अ स्टैग इज अ शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर। कौन है? शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर है हु अटेम्प्ट्स टू प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्राइस मूव्स सच एज डे ट्रेडर्स फॉर एग्जांपल। मैंने अभी बोला था ना इंट्राडे, बोला था कि नहीं बोला था? अभी आज सुबह मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदे, 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर खरीदे मैंने 100 रुपए के हिसाब से, ठीक है। अब आज रात को, ये शाम को मार्केट बंद होने से पहले ये शेयर का प्राइस हो गया 102 रुपए, तो मैंने 2 रुपए 10,000 रुपए कमा लिए। बोले तो कितने रुपए कमा लिए गाइस? हाउ मच मनी हैव आई बुक्ड? 2 रुपए एक शेयर पे और 10,000 शेयर, कितने रुपए कमा लिए मैंने एक दिन में बेटे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज इन वन डे। ये लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म इंट्रा डे मारते हैं ज्यादातर। स्टैग ट्रेडर्स टिपिकली रिक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल, उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए, देखो समझो पैसे भी लगे भी तो कितने सारे हैं ना, इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज इफेक्टिवली अ स्मॉल प्राइस मूव। बड़ा तो 2 रुपए है बट पैसे कितने सारे लगे, ये दिख रहे हैं आपको, इतना सारे पैसे एक दिन में लग गए, दिस इज पुटिंग अ लॉट ऑफ कैपिटल, एंड उस स्मॉल प्राइस मूव से आप पैसे कमा रहे हो, यू आर अ स्टैग देन, है ना? यस बेटे, 2 लाख रुपए, करेक्ट। यस बेटा जी, 2 लाख नहीं, 2,000, 20,000 बेटे, 10,000 इंटू 2 इज 20,000, नॉट 2 लाख। समझ में आया उज्जवल? गाइज एम आई क्लियर? पैसे लगाए ज्यादा थे, पैसे लगाए ज्यादा थे, कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करी थी ताकि छोटा सा भी बढ़े तो मैं प्रॉफिट कमा लूं। मैंने सुबह खरीदा और शाम को बेच दिया, बट 2 रुपए एक शेयर पे बुक करने की वजह से मेरे पास सिंस इतने सारे शेयर थे, मैंने पैसे ज्यादा कमा लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिबेंचर्स, आई डिड नॉट रीड योर मैसेज, मुझे दिखा नहीं, इतने में डिलीट हो गया बेटे। गाइस एम आई क्लियर? आर वी गुड विद हु इज अ ब्रोकर, बुल, बेयर, स्टैग? नो बेटे, डिबेंचर शेयर्स नहीं होते। क्वेश्चन इसको आंसर लेने के लिए सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर पढ़ो, क्लास 11 का, ओके? यू विल बी क्लियर क्या होता है शेयर, क्या होता है डिबेंचर, क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट, क्या होता है इक्विटी, क्या होता है प्रेफरेंस, एवरीथिंग। यू सी दैट चैप्टर वंस अगेन, ठीक है क्वेश्चन? डिबेंचर्स डेट होते हैं, शेयर्स इक्विटी होता है,
ओके मेरे बेटे, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग प्रोसीजर। अब ट्रेडिंग प्रोसीजर में हम इतनी देर से आप हमारे अंदर से खलबली मचा रहे हो, खलबली खलबली हो रही है, खलबली है ना, खलबली। बताओ कि भैया एक्चुअली में हम स्टॉक एक्सचेंज होता कैसे है, ट्रेडिंग कैसे होती है, आप हमको ये बताओ बेटे। भैया आप 18 साल से कम हो तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, बट आपके घर वाले कर सकते हैं आपके भी आप पे, बट आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो पढ़ो, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, आओ देखो समझते हैं कैसे होता है ट्रेडिंग। सबसे पहले आप एक ब्रोकर को सिलेक्ट करो, जैसे कि मैम ने बताया कोटेक सिक्योरिटीज मैंने चूज कर लिया, आईसीआईसीआई का हो सकता है, एचडीएफसी का हो सकता है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर बाजार में अवेलेबल है, उन्हें सिलेक्ट करो। उज्ज्वल 18 का है, ठीक है बेटे उज्ज्वल, आओ बेटे आओ। सो फिर आप क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे। मान लो मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मैं एसबीआई के एसबीआई क्रेडिट कार्ड का शेयर लेना चाहती हूँ, ठीक है। मान लो मैं 100 शेयर लेना चाहती हूँ, तो मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस किया, फिर क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा ऑर्डर को। मैंने ऑर्डर प्लेस किया, अब जो कोटेक सिक्योरिटीज है वो इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगी। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप ऑर्डर करते हो चाउमिन लेके आओ, मंचूरियन लेके आओ, तो लेकर आते हैं आपके पास, आपने ऑर्डर किया अब एग्जीक्यूट हुआ, ऐसे आपने ऑर्डर प्लेस किया 100 शेयर का, अब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नाउ सेटलमेंट होगी, आपने जो बोला आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे ना, अगर आपने बाय किया है तो पैसे कटेंगे, अगर सेल किया है तो पैसे आ जाएंगे। सो यू सिलेक्ट अ ब्रोकर, यू प्लेस अ ऑर्डर, एग्जीक्यूशन होती है ऑर्डर के, एंड देन सेटलमेंट हैपेंस। इसी को बोलते हैं, ये दिस इज व्हाट द प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस, एकदम सिंपल, सुपर डुपर सुपर इजी प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी एक्सचेंज। आप क्या एनएससी बीएससी में जाते हो शेयर लेने? नहीं, ये एनएससी बीएससी के अंदर ब्रोकर्स रजिस्टर होते हैं, उन ब्रोकर्स के थ्रू आप शेयर खरीदते हो, आप प्लेस ऑर्डर करते हो खरीदने का या बेचने का, और एग्जीक्यूशन होता है, ऑफिस सेटलमेंट हो जाता है। एम आई क्लियर एवरीबॉडी गाइस, ऑल ऑफ यू गाइस हु आर वाचिंग, एम आई मेकिंग सेंस टू यू? थोड़ा सा टेक्निकल है बट बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आपको मजा आ रहा है तो। कम ऑन गाइस टेल मी, आगे बढ़े। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिपॉजिटरी सर्विस, क्या है ये कहानी मैम, ये क्या कहानी है डिपॉजिटरी सर्विस की, आइए बताते हैं आपको। हाय आयुष कुमार सिंह। सो डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक अ इज लाइक अ बैंक हु कीप्स मनी इन सेफ कस्टडी फॉर कस्टमर्स। अ डिपॉजिटरी इज ऑल्सो नोन एज इज लाइक अ बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज, एग्जाम्पल शेयर्स डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज में सब कुछ आ जाता है, शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ इन्वेस्टर। डिपॉजिटरी कौन है? डिपॉजिटरी वो है, डिपॉजिटरी इज दैट पर्सन हु यू नो ही इज अ बैंक, ही इज काइंड ऑफ अ बैंक। मतलब मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं 100 रुपए बैंक में जाके जमा कराऊंगी तो मेरे ही पैसे हैं बट बैंक में है, ठीक है। वैसे जो शेयर्स या बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स मेरे पास हैं बट मेरे पास फिजिकल होने की जगह बैंक में है, तो ये बैंक कौन है? ये बैंक डिपॉजिटरी है, दिस बैंक इज अ डिपॉजिटरी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेरी सारी सिक्योरिटीज है, इट इज डिबेंचर्स बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। क्यों डर रहे हो बेटे, सब बढ़िया होगा, टेंशन ना को, ओके। इन द डिपॉजिटरी अ सिक्योरिटीज अकाउंट कैन बी ओपन। मेरे को डिपॉजिटरी के पास अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा, जैसे मैंने मेरा अगर एसबीआई में या कैसे में कोटेक में या एचडीएफसी में या आंध्रा बैंक में अगर मेरा अकाउंट है तभी तो मैं उसमें पैसे डाल सकती हूँ ना। ऐसे इफ आई वॉन्ट माई शेयर्स माई म्यूचुअल फंड्स टू बी ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली तो मुझे एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा डिपॉजिटरी के पास। ऑल शेयर्स कैन बी डिपॉजिटेड, सारे शेयर्स को मैं डिपॉजिट करा दूंगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। दे कैन बी विदड्रॉन और सोल्ड एट एनी टाइम, एंड इंस्ट्रक्शन टू डिलीवर और रिसीव शेयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स कैन बी गिवन। जैसे मैं बैंक में 100 रुपये जमा कराना चाहती हूँ करा सकती हूँ, उसमें से 20 रुपये निकालना चाहती हूँ निकाल सकती हूँ,
वैसे ही डिपॉजिटरी ऑल्सो यू कैन नो इन्वेस्ट, यू कैन पुट इन योर मनी, पुट इन योर शेयर्स, एंड इफ यू वॉन्ट टू लिक्विडेट इट आप निकाल भी सकते हो, डालना चाहते हो डाल सकते हो, निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो और पुट भी कर सकते हो. ओके, एट प्रेजेंट देर आर टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया. आज की तारीख में दो डिपॉजिटरीज हैं, एक है एनएसडीएल, एक है एनएसडीएल जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, दूसरा है सीडीएसएल. सीडीएसएल बोले तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इनको हम डीपीज भी बोलते हैं. डीपीज बोले तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, दे आर ऑल्सो नोन एज डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इनको हम डीपी भी बोलते हैं. एंड इन केस यू हैव एनी प्लान गाइस, वंस अगेन आई एम रिएट्रिएटिंग द फैक्ट दैट इफ यू हैव एनी प्लान्स टू डू सीएस, इन पे प्रॉपर एक्ट्स आने वाले हैं, ध्यान से सुनो. क्लास 12th में तो इम्पोर्टेंट है, बट इफ यू आर प्लानिंग टू डू सीएस और लॉ दोबारा आएंगे आपके पास. ओके, दोबारा आएंगे आपके पास. आ जाओ बेटे, आगे बढ़ते हैं. बेनिफिट्स क्या है डिपॉजिटरी सर्विसेज का? सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक ऑफ अ कंपनी ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, जो ये एनएसडीएल है या सीडीएसएल है, ये दोनों जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं आपको हेल्प करते हैं टू बाय और सेल द शेयर्स विद एनी स्टॉक एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिकली. आपको फिजिकली लेकर नहीं जाना, मेरा शेयर ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, इलेक्ट्रॉनिकली इट विल हैपन. ओके, नो बेटे, म्यूचुअल फंड एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का जिसमें हम एसआईपी लगाते हैं. ठीक है, एसआईपी बोले तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. इसके बारे में हम कभी अलग से, मे बी शेयर के ऊपर मैं अलग से एक सेशन लूंगी या म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक अलग से सेशन लूंगी. जैसे शेयर्स होते हैं ना एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसमें जिससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऐसे म्यूचुअल फंड भी एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, कोई कंपनी नहीं है अमेरिकन. ओके बेटे, क्वेश्चन. ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी इन मार्केट के. ठीक है, चलो आप बेटे आगे बढ़ते हैं. इट सेव्स टाइम क्योंकि आपको फिजिकली लेकर नहीं जाना, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है सब कुछ. जैसे हम फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर देते हैं, ऐसे हम एनएसडीएल और सीडीएसएल में इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है. सो इट विल सेव टाइम, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कॉस्ट भी कम है क्योंकि फिजिकल नहीं है. यस, नेक्स्ट बोले तो ईज इन ट्रेडिंग, आसानी, टेंशन नको, इट इज ईजी. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, आपको दिख रहा है कितना गया कितना आया, आपके अकाउंट में क्या आया क्या गया. जैसे अब हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग है तो वहां देख सकते हैं ना कितने पैसे मैंने अपने अकाउंट में डाले, कितने निकाले. वैसे ही इन डिपॉजिट फॉर इन इन डिपॉजिटरी ऑल्सो, इन केस ऑफ डिपॉजिटरी ऑल्सो, हाउ मेनी शेयर्स आई हैव पुट इन, हाउ मेनी शेयर्स आई हैव पुट टेकन आउट, विदड्रॉन किया, वो सब मुझे ट्रांसपेरेंटली आई बी एबल टू सी, आई बी एबल टू सी इन माई डिपॉजिटरी अकाउंट. ठीक है, अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, उसका कंसेप्ट और प्रोसेस क्या है, ये भी समझ लेते हैं. डिपॉजिटरी समझ लिया है क्योंकि अपन ने. डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइज्ड. डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन, इंडिया का नागरिक होना जरूरी है, मस्ट ओपन द विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. मतलब जो हमने दो डीपीस पढ़े ना, एनएसडीएल और सीडीएसएल, उनके पास जो अकाउंट खुल रहा है, जैसे हम सेविंग अकाउंट खोलते हैं जब जहां पैसे डालते हैं, है ना, जो अकाउंट खुल रहा है उसका नाम क्या है, डीमैट या डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट. ओके, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. लिस्टेड बोले तो जो स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्टेड है, और हमने अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था दैट एनी स्टॉक हु नीड्स हु हु वांट्स मनी फ्रॉम पीपल, हु वांट्स पीपल टू इन्वेस्ट, दे हैव टू बी 100% रजिस्टर्ड विद एनी ऑफ द टू, मिनिमम मिनिमम एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज, कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज के पास आपको रजिस्टर होना पड़ेगा इफ यू वांट टू, इफ योर कंपनी वांट्स टू डू
फ्लोट शेयर्स इन द मार्केट. अगर मार्केट में शेयर्स लेकर आना चाहते हो अपनी कंपनी के, तो आपको एक स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को एनरोल कराना होगा, लिस्ट कराना होगा. तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिकली खरीदना चाहती हूँ या बेचना चाहती हूँ शेयर को, आई नीड टू हैव अ डीमैट अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, विद वन ऑफ द टू डिपॉजिटरीज दैट वी हैव जस्ट अंडरस्टूड, NSDL और CDSL, है ना. उनके उनसे उनके इस बैंक, ये बैंक की तरह है, इस बैंक के अंदर जो अकाउंट है उसको हम बोलेंगे डीमैट और डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है. द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय द डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी इंडिया में दो है, NSDL एंड CDSL. ओके गाइस, अब जैसे एग्जांपल दे रहे हैं हम यहाँ पे, ICICI Direct.com ये फ्री डीमैट अकाउंट देता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी देता है, और जो भी परसेंटेज लेता है वो बता देता है. जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे ये कौन है हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है. बेनिफिट्स क्या है? पेपर वर्क नहीं है, ताम झाम नहीं है कागजों का. प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसफरिंग, इफ मेरा कौशल रहता है, से फॉर एग्जाम्पल कौशल ने आयुष को शेयर बेचा, कौशल रहता है गुजरात में, आयुष रहता है केरला में. अब भाग भाग के थोड़ी ना केरला से उड़ उड़ के जाएगा कौशल के पास गुजरात में, लो भैया शेयर. नो, इट इज हैपनिंग इलेक्ट्रॉनिकली. और इलेक्ट्रॉनिकली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जैसे इंटरनेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं ना, वैसे ही अकाउंट से अकाउंट में शेयर भी ट्रांसफर हो जाएगा. एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर सच एज लॉस, थेफ्ट, डिलेज, है कि नहीं. एक्सेम्पशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी. अब अगर कागज में होता मेरे नाम से आपके नाम पे ट्रांसफर करना है तो मुझे स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती, अब वो नहीं देनी पड़ेगी बिकॉज इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है. ओके, इंक्रीज लिक्विडिटी थ्रू स्पीडी सेटलमेंट. अब अगर गुजरात से केरला जा रहा होता, पहुंच जाता, उसके बाद पैसे आते, है ना, सेटलमेंट तब होता. बट नाउ सिंस इट इज हैपनिंग इलेक्ट्रॉनिकली तो इंस्टेंटेनियसली, ऐसे बेटे ऐसे इट हैपेंस ऐसे. वैसे इंडिया में जो सेटलमेंट होता है, करंट भी चल रहा है T+2, मतलब अगर मैंने आज के दिन किया तो 2 दिन बाद होगा सेटलमेंट. बट ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से बड़े हो गए अपने आप समझ आ जाएगा. ओके, अट्रैक्ट टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि थिंग्स आर इजी, यू नो, इफ एनीबॉडी हु इज नो आउटसाइड ऑफ इंडिया, दे कैन ऑल्सो डेफिनेटली परचेज द शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द डिपॉजिटरी. रिमेंबर हमने GDR ADR पढ़ा था, GDR ADR IRR पढ़ा था, और वहां हम बोल रहे थे डिपॉजिटरी के पास जाएंगे, डिपॉजिटरी एक रिसीट इश्यू करेगा, वो रिसीट जो है हम उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर ये जो है अगर अमेरिका के सिटीजन को जा रहा होगा तो ADR होगा, अगर ग्लोबल सिटीजन को जा रहा होगा तो GDR होगा. वही वाला डिपॉजिटरी है ये, वही वाला डिपॉजिटरी. कौन सी ईयर में आया था क्वेश्चन, गूगल करो बेटे, गूगल करो. अब टू बी कंटिन्यूड. सो गाइस, एवरीबॉडीज होमवर्क इज डीमैट की कहानी कब आई थी इंडिया में. सो 1992 स्कैम के बाद हुई होगी शायद कहानी, जस्ट गिविंग यू अ हिंट. ओके गाइस, सो आई विल कंटिन्यू टुमारो विद दिस. आपका होमवर्क क्या है, देयर आर 3 क्वेश्चंस दैट आई वांट यू टू राइट एंड वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है. आपको डिस्टिंग्विश करना बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. कैपिटल बोले तो जो लॉन्ग टर्म के लिए है, मनी बोले तो जो शॉर्ट टर्म के लिए. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसको डिटेल में यू हैव टू राइट. ओके, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या है, डिपॉजिटरी सर्विस और डीमैट अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या है. ओके, उज्जवल कुमार सिंह को मजा आ रहा है मुझे लग रहा है शेयर, उसको लग रहा है मैम मेरे को शेयर थोड़े फैंटेसाइज कर रहे हैं. ओके बेटे, थम्स अप. So guys, this is a homework. I expect all of you to do your homework. And in case you have any questions, ask me in the comment box, and we will try to discuss things in the next session as well. Okay? So guys, before we end, let me explain you about your Vedantu Commerce Pro subscription. जैसे कि आपको मैंने सेशन के स्टार्टिंग में भी बताया था कि ऑप्शन तो हम नॉर्मल पढ़ भी सकते हैं, नॉर्मल अपने आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, क्लासेस से पढ़ सकते हैं, बट एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस आपको वेदांतु ने दिया है जहाँ पे 5000 आवर्स प्लस आवर्स ऑफ लाइव ऑनलाइन टीचिंग है फॉर ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, जहाँ पे मेरे जैसे 20 और टीचर्स होंगे जो अपने 5+ ईयर्स
टीचर्स के साथ आपको पढ़ा रहे होंगे, दे विल टीच यू, गाइड यू, असिस्ट यू डुअल टीचर पैटर्न में, बिकॉज देर विल बी सेपरेट क्लास टीचर्स जो आपको आपके डाउट सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. आपके पास असाइनमेंट आएगा आफ्टर एवरी सेशन, ताकि आपने जो पढ़ा है उस पर नो यू आर एबल टू हैव अ कमांड, और कोई भी कमी रह जाएगी तो उस पर सुधार करवाया जाएगा अंडर द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ टीचर्स. You have options to learn in Hindi and English, and the entire course will be covered. अगर कोई नया क्रैश कोर्स या माइक्रो कोर्स आ रहा होगा उसके लिए आपको सेपरेट पेमेंट नहीं देना होगा. एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस प्रो सब्सक्रिप्शन. प्रो सब्सक्रिप्शन के प्राइजेज अवेलेबल हैं आपके पास ऑन योर स्क्रीन. 1 month एंड 3 month प्लान हैं. इसका एक्चुअल प्राइस फॉर 1 month इज 3499, बट आफ्टर डिस्काउंट अवेलेबल रहता है 2799. ओके, जो 3 month का एक्चुअल प्राइस है वो है 9999, बट आफ्टर डिस्काउंट इट विल बी अवेलेबल टू यू एट 7999. बोले तो 20% डिस्काउंट. कैसे मिलेगा 20% डिस्काउंट? इफ यू यूज माय कूपन कोड डीडी प्रो, लिंक है सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक ऑन दैट एंड यू विल बी एबल टू अवेल. गाइस, लाइक, सपोर्ट, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो. मैम को थोड़ा प्यार दिखाओ, दिशा मैम को थोड़ा प्यार दिखाओ, चैनल को थोड़ा सा प्यार दिखाओ गाइस. ओके, and join the telegram group if you have not already, because here you get instant updates about everything related to the channel. Thank you guys, stay tuned, keep smiling. I'll see you in the next session. This is your master teacher Disha Dua signing off for today. Bye bye guys, love you all, stay blessed.